और अब बड़ी खबर है वाराणसी से, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर सरकार का एक्शन हुआ है। दो होटलों के अवैध हिस्सों को गिराने का काम जारी है। वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट पर ये दोनों होटल बने हुए थे और अब उनको गिराया जा रहा है। बनारस कोठी और रेवर पैलेस पर भी हथौड़ा चला है। होटल मालिकों ने कार्रवाई का विरोध किया है। तो इस समय की बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखिए, अवैध निर्माण अतिक्रमण हटाने का काम बनारस वाराणसी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। धर्म नगरी वाराणसी की बात करें तो यहां पर अवैध रूप से बने दो जो आलिशान होटल हैं उनको इस वक्त जमींदोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये दो होटल हैं बनारस कोठी और इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो होटल रिवर पैलेस है। ये दोनों जो होटल्स हैं वो चार पांच मंजिला होटल्स हैं और अब इनको जमींदोज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो होटल है वो वरुणा नदी के ठीक किनारे बने थे, यानी ग्रीन बेल्ट में बने थे, लिहाजा इनको कई दफे नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ऐसे में अब यहां पर जमींदोज की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है लेकिन जो वीडीए के जो कर्मचारी हैं वो हैमर के साथ इस वक्त इस होटल के अंदर दाखिल हैं और अब वहां पर जो जमींदोज की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ योगी सरकार का जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि लखनऊ में इस तरीके की कार्रवाई हुई थी और अब वाराणसी में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोप ये लग रहे हैं कि इस तरीके के इस पूरी कॉलोनी में सिर्फ ये दो होटल नहीं है बल्कि इसके अलावा लगभग दो दर्जन से अधिक ऐसे होटल हैं जिनको वीडीए की ओर से बकायदे नोटिस भेजा गया है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन होटल्स के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडीए की कार्रवाई हो रही है और इस दौरान भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो वीडीए के अफसर हैं वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि अगर इस होटल मालिक के बारे में बात करें तो ये होटल मालिक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इनका ये आरोप है कि चूंकि वो मुसलमान हैं इस वजह से उनके होटल को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इनको कई दफे यहां पर नोटिस भेजा जा चुका था, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, हाईकोर्ट की ओर से भी बकायदे ये आदेश दिया गया है। इसके साथ ही वीडीए की ओर से लगातार नोटिस भेजा जा रहा था लेकिन बावजूद इसके इन्होंने ये होटल खाली नहीं कराया, लिहाजा अब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।